क्या ये एक पिगमेंट होती है जो कि एसफॉल्ट के साथ मिक्स होती है, और एसफॉल्ट जो है ये क्रिस्टल एसफॉल्ट, और ये पिगमेंट मिक्स होकर और फिर इसको अप्लाई किया करते हैं रोड के ऊपर। तो ये होता है एंटी स्किडिंग। तो आप ऐसा फील होता है जैसे कि यार ये बिल्कुल पेंट कर दें तो उसके ऊपर गाड़ी से, नो, इट इज़ एंटी स्किडिंग। जैसे नॉर्मल आपकी एसफॉल्ट होती है सेम एक्ट करती है, बस ये कि इसका कलर होता है। इसका फ़ायदा क्या है बेसिकली, ये आपका जो टेम्परेचर, बिकॉज जो एसफॉल्ट होती है एब्जॉर्ब करती है एंड वो हीट फिर आपको डिसिपेट करती है, ये जो है ये एब्जॉर्बिंग करती है, ये रिफ्लेक्टिव एज अ एक्ट करती है। इससे जो टेम्परेचर जो होता है आपका ना एटलीस्ट एरिया के अंदर या जहां आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो जो है ना डे टाइम या नाइट टाइम टेम्परेचर एटलीस्ट 10 डिग्री तक का जो है ना ये इफेक्ट इससे पड़ता है। एक है हम इसको न्यू टेक्निक जो है ना अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सिविल वर्क्स के अंदर, और सेकेंडली एक ये आपको प्लीजिंग इफेक्ट भी देता है। देखिए हम सालों साल से देख ही रहे हैं कि ब्लैक एस्फॉल्ट, ब्लैक रोड, हमने टेस्ट ट्रायल खुद भी किया है इसके ऊपर, स्पेशली जो हमने एंटी स्लिप और एंटी स्किडिंग का था हमने वो टेस्ट किए कि वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो रिजल्ट हमने 100% किए कतर में, बिकॉज उधर टेम्परेचर्स थे। देखिए उन्होंने भी इसीलिए किया था कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा जो था कि एक डिफरेंट लुक होनी चाहिए। इसका एक कॉस्ट का इफेक्ट है, बट इस टाइम बिकॉज ये एक ट्रस्ट ऑयल बेसिस था तो उसके ऊपर की कॉस्ट इफेक्ट इतना नहीं था। इसकी जो क्योंकि हम जब इसको अप्लाई करेंगे टूवर्ड्स CVD अब, तो वहाँ पर हमें इसके क्लियर आइडिया होगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, बट इट्स नॉट टू मच एक्सपेंसिव।